कभी सोचा है दिल्ली में जो किसान प्रदर्शन कर रहे हैं उस प्रदर्शन में कभी साउथ के किसान क्यों शामिल नहीं होते हैं? पिछली बार जब किसानों ने प्रदर्शन किया था तो उसमें मुख्य रूप से हरियाणा, पंजाब और यूपी के किसान शामिल थे। इसके अलावा राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड के भी कई जगहों से किसान इसमें शामिल होने आए थे, लेकिन साउथ के किसान यहां नहीं दिखे थे। और अभी जो आंदोलन चल रहा है इसमें भी अभी तक साउथ के किसान शामिल नहीं हुए हैं। इसके पीछे का कारण क्या है? क्या साउथ के किसानों को MSP नहीं चाहिए? क्या उन्हें उनके लोन माफ नहीं करवाने हैं? आखिरकार उनके आंदोलन में अब तक शामिल नहीं होने का कारण क्या है, जानते हैं इसी वीडियो पे। हेलो एवरीवन, आई एम हिमांशु एंड यू आर वॉचिंग अनकट। कुछ दिनों पहले तमिलनाडु के थंजावुर रेलवे स्टेशन में 100 से ज्यादा किसानों को गिरफ्तार किया गया था। ये किसान दिल्ली में किसान आंदोलन के खिलाफ पुलिस ने जो कार्रवाई की थी उससे नाराज थे और विरोध जताने के लिए रेल रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन पुलिस ने उन्हें पहले ही हिरासत में ले लिया। ऐसे ही कर्नाटक और तमिलनाडु के भी कुछ किसान दिल्ली की तरफ बढ़े तो उन्हें भोपाल स्टेशन पर ही रोक लिया गया। अगर इन दोनों मामलों को छोड़ दिया जाए तो अब तक पूरा साउथ इंडिया इस किसान आंदोलन से अछूता है। लेकिन ऐसा क्यों है? क्या साउथ के किसानों को MSP नहीं चाहिए? देखिए, MSP की जो मांग को लेकर साउथ इंडिया के किसानों का विरोध में शामिल नहीं होने का जो सबसे बड़ा कारण बताया जाता है वो है उनकी फसल में अंतर। साउथ में नॉर्थ की तरह गेहूं और धान की खेती नहीं की जाती। डेटा से आपको पूरा समझाते हैं। साल 2022-23 के खरीफ सीजन में सरकार ने जो कुल मिलाकर 846,45,000 मेट्रिक टन धान की MSP के तहत खरीदी की थी, इस पर जो खर्च आया था वो था 1,74,000 करोड़ रुपयों का। और ये धान सबसे ज्यादा पंजाब के किसानों से खरीदा गया था। पंजाब के 9 लाख से ज्यादा किसानों से साल 2022-23 में 182,11,000 मेट्रिक टन धान खरीदा गया और इसके लिए 37,514 करोड़ रुपए खर्च किए गए। वहीं हरियाणा के 2,82,000 किसानों से 59,36,000 मेट्रिक टन और यूपी के 9,40,000 किसानों से 65,50,000 मेट्रिक टन धान की खरीदी की गई। इसके उलट दक्षिण के 5 राज्य आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के किसानों से कुल मिलाकर 214,34,000 मेट्रिक टन धान खरीदा गया, जो कुल धान की खरीद का 25% है। वहीं दक्षिण के किसी भी राज्य में सरकार MSP पर गेहूं की खरीदी नहीं करती है। इसकी एक दूसरी वजह उत्तर और दक्षिण में फसलों का पैटर्न भी अलग अलग होना है। दक्षिण भारत के राज्यों में गन्ना, धान, कॉफी, सुपारी, दालें और काली मिर्च, इसके साथ ही इलायची जैसी फसलों की खेती होती है। इसमें धान छोड़ दिया, बाकी फसलें ऐसी ही हैं जिन पर MSP का कोई फर्क नहीं पड़ता। इतना ही नहीं, दक्षिण के राज्यों में ज्यादातर किसान अपनी फसल सरकारी मंडियों में बेच देते हैं, यहाँ उन्हें MSP से ज्यादा दाम मिल जाता है। इसके अलावा कॉफी बोर्ड और राज्य सरकारें भी MSP से कहीं ज्यादा कीमत पर किसान से फसल खरीद लेती हैं। इसके अलावा अगर सूखा या बाढ़ की स्थिति बनती है और फसलों को नुकसान पहुंचता है तो यहाँ की राज्य सरकारें किसानों के लिए मुआवजे की व्यवस्था भी करती है, उनके कर्ज भी माफ कर दिए जाते हैं। हाल ही में कर्नाटक सरकार ने साल 2024-25 का जो बजट पेश किया है जिसमें रायथा समृद्धि योजना शुरू की गई है। इसके तहत सरकार 57,000 किसानों के कर्ज पर ब्याज को माफ कर देने वाली है। शायद यही कारण है कि नॉर्थ इंडिया के किसानों के प्रदर्शन में साउथ इंडिया के किसान शामिल नहीं हो रहे हैं। इन दोनों जगह के किसानों की परेशानियां और मांगे दोनों अलग अलग हैं। अब आपको पता चल ही गया होगा कि क्यों दिल्ली के किसान आंदोलन में अब तक साउथ के किसानों ने हिस्सा नहीं लिया है। इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में हम आपको साउथ के किसानों की परेशानियां और उनकी मांगों के बारे में बताएंगे, जिन्हें देखने के लिए आप अनकट को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।